तो आप सभी का बायो का एग्जाम सभी का अच्छा गया। मुझे इंस्टाग्राम अभी तक गाइस लिटरली बता रहा हूँ 5000 प्लस मैसेजेस आ गए हैं एंड इट इज अनबिलीवेबल। तो सभी को कॉन्ग्रेट्स यार, देख सकते हो मैसेजों की मतलब नेक्स्ट लेवल। एंड जिस सभी का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ तो सो सॉरी यार, फाइनली हिंदी का वीडियो आ गया है। एंड जो बायो का आपका लास्ट टाइम पर रियल पेपर डाल दिया था, है ना, मतलब एक दिन पहले डाल दिया था, आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था आपको कि गाइस ये रियल पेपर, ठीक है। तो फिर मैं उस टाइम पर नहीं बोला था, बिकॉज अगर मैं बोल देता तो वो वीडियो मेरी उसी टाइम 1 से 2 घंटे में डिलीट करवा दी जाती। एंड आपका ये जो हिंदी का पेपर है, अब मैं हिंदी का बिल्कुल रियल पेपर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। एंड लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड उस फेस को, मतलब जो वो फेस चल रहा था मेरी लाइफ का, इस मंथ का तो सबसे ख़राब टाइम था। एंड चलो जो भी हुआ गया, ठीक है, उस बारे में बात नहीं करेंगे हम। एंड गाइज इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। एंड आप सभी को रियल पेपर तभी मिलेंगे जब आप सभी 28K आज करा दोगे यार, जल्दी से 28K करा दो यार, बहुत करीब है। जिसको शेयर करना है उसको करो, जो अगर आप ही ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर सकते हैं यार। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को 4-4 बजे वीडियो बना रहे हैं और इधर सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है तो बुरा लगता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आंसर्स की भी बात कर लेते हैं। आंसर्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। एंड आंसर्स प्रोवाइड कैसे किए जाएंगे वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहा, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। एंड चलो इसके आंसर्स की भी हम बात कर लेंगे एंड वीडियो के बीच में। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, आंसर्स तो डोंट वरी वो भैया साथ हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लगना, टॉपर सॉल्यूशन है ना। तो फिर बाकी अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने अदर यूट्यूब चैनल यानी कि दूसरे हैं जिनका थोड़ा वो बड़े भी हैं हमसे, लेकिन वो फेक चीज़ बना बना के बड़े हुए, तो वो चीज़ नहीं देखना पड़ता यार, ठीक है। तो अब बस ये करना है कि क्वेश्चंस अच्छे तैयार करना है एंड थोड़ी फर्जी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है। एंड बाकी अपन लोग तो फोड़ तो रही हैं, आज तो फोड़ दिया ही है, ठीक है। एंड चलो आंसर्स देख लेते हैं फालतू काम छोड़ के, ठीक है। एक गीत कविता में समय को माना है, क्या माना था। एंड वो सभी के आपको आंसर्स अभी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका भी मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी क्वेश्चंस देखने पे ज़्यादा फोकस करो। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले अंकित चित्तर कहा था, कहा है, जिसका अर्थ है। तो ये रहे आप सभी के आंसर, अर्थहीन, व्यवहारी, भिखारी या ठग। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विवेदी युग का महाकाव्य है कौन सा है, कामायनी, प्रियप्रयास, कवितावली, रामचंद्रिका, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र जी या विद्यानिवास। उसके बाद मोहन जोदाड़ो के कुएं थे कब, मतलब कितने साल पुराने थे, हाईएस्ट ही ले लो यार, सबसे ज़्यादा 500-800, है ना, तो लगभग 200, लगभग 700, लगभग 500, लगभग 800, मोहन जो मतलब कितने साल पुराने थे, 800 साल, 200 साल, 700 साल, 500 साल, ठीक है, तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन के तत्वों में वस्तु पर कथा का अर्थ है तो वो क्या होता है, हमारा बताना है अपन को कि सत्यता या काल्पनिकता, प्रामाणिकता, अनुभव। गाइज आंसर हम इसलिए नहीं बता पाए हैं अभी, मतलब सॉरी इस वीडियो में अभी नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जैसे ही पेपर आया, जो हमने सर को कांटेक्ट किया कि सर जल्दी से पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, बिकॉज एक भी दिन का गैप नहीं है, बच्चे अभी पेपर देकर आए हैं एंड उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं एंड प्रेशराइज्ड हैं कि अगला पेपर हिंदी का है, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो वो लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा। एंड फिर मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं, अगर जितने क्वेश्चंस के आंसर आप पे बन जाते हैं तो आप मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे इंस्टाग्राम पर, तो बहुत हेल्प होगी यार, ठीक है। पहले फॉलो करना, फिर मेरे पास रिक्वेस्ट करना हेलो सर, एंड फिर मैं आप डायरेक्ट बोलना हेलो सर तो आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू सो मच फॉर फॉलो, अगर आएगा टीम से बात करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा करना है, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई दूंगा, टीम से वगैरह नहीं करवाऊंगा, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपका। तो बस यार हेल्प हो सके तो हिंदी के पेपर में हेल्प कर देना, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप सभी बहुत हेल्प करते हो, मैं बस एक बार बोलता हूँ कि आप सभी से PDF चाहिए तो यार अलग ही लेवल आप लोग कर देते हो, हर बच्चा सेंड कर देता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है,
ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आनंद यादव का पूरा नाम है क्या है? आनंद नाम आनंद रतन यादव, ठीक है। उसके बाद पत्रकारिता का मूल तत्व है क्या है? प्रत्याशा या जिज्ञासा। उसके बाद हम लोग देखते हैं विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुत्स या विस्मय। उसके बाद निबंध, हिंदी निबंध का प्रारंभ युग में माना जाता है द्विवेदी युग या भारतेन्दु युग। रात्रि में भीषणता को लहरकारती थी तो पहलवान की ढोलक या लूटन की हुंकार। फिर यह लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है क्या? उदारता या प्रतिकार। गाइज लिटरली यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि सभी को वो भी पता है कि CBSE वाले स्टूडेंट हैं, नहीं बंदी भैया पर हिंदी उतनी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब कर लेना एडजस्ट, थोड़ी बहुत बेइज्जती भी कर लेना भैया, क्या हिंदी पढ़ रहे हो उल्टा सीधा। तो यार मुझे तो ये भी नहीं पता, अभी एक क्वेश्चन था गुलाबी उलाबी कुछ करके था, मैंने पर्पल बोल लिया था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे पिंक होता है, तो नहीं पता यार अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सही जोड़ियाँ करेंगे हम लोग, बात सीधी थी पर इसके बाद ये अपन को सही जोड़ियाँ करना है, यहाँ से ये मिलाना है, ये वो ये वो ये वो, ठीक है। अभी इसके आंसर ढूंढेंगे, डोंट वरी यार, ठीक है। एंड गाइस अगर ये पेपर अगर अपना फेक वगैरह कुछ भी निकलता है, अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस मतलब सर के द्वारा कि पेपर फेक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन तो हमें करना ही है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम उतना खास नहीं करेंगे, बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। एंड अगर जो पेपर रियल आता है तो अपन को क्या करना है कि रियल ही पेपर का सॉल्यूशन करना है, फेक का तो करेंगे नहीं, क्या ही मतलब रहेगा, ठीक है। तो अपन लोग उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर आप लोग ये नहीं बोलना कि भैया ये रियल है वो रियल है, जो आता जाता है, जो बिल्कुल ट्रेंड नया रहता है, नया वीडियो रहता है, बस आप उसी को रियल समझना। एंड जो वीडियो अपलोड होता रहता है आप वही पढ़ते रहना। एंड छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं यार, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, पूरी हिंदी पढ़ने से अच्छा तो वीडियोस देखो एंड आंसर देख के जल्दी जल्दी से रट लो, जो जो आता जाता है रटते चलो एंड ख़त्म, बाय बाय, ठीक है। यहाँ पर सत्य सत्य, यहाँ तो वैसे देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बात आती है यहाँ से, ठीक है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग से कवि का आशय स्पष्ट करिए। प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भारतेन्दु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। लूटन पहलवान की ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? संस्मरण और रेखाचित्र में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। ये हमारे कौन कौन से होते जा रहे हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एंड गाइज आप सभी कमेंट कर रहे थे ना कि भाई आप कहाँ से हो, तो मैं हूँ MP के छतरपुर ज़िले से, अगर आप में से कोई छतरपुर से हो तो कमेंट करना, ठीक है, चलो ओके समहाउ, ठीक है। उसके बाद इन प्राइपर वाक्यांश का प्रयोग। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, इस वाक्यांश को उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनाता है? तो देन यहाँ पर हमें करना है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी एंड उसमें भावकता का आडंबर नहीं था, कैसे? फिर उसके बाद स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? कविता लेखन के कोई दो घटक लिखे। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता पहले जो हमारे पेपर आते थे कि नॉर्मल चैप्टर्स रहते थे, चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आंसर आते थे, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर रहता था उससे हमें क्वेश्चन आंसर याद करना रहता था एंड ख़त्म। लेकिन अब तो यार अभिव्यक्ति माध्यम बिल्कुल घुस गया है, हम लोग अभिव्यक्ति माध्यम को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स का वही आने लगा है एंड ग्रामर अभिव्यक्ति माध्यम, हमारा विज्ञान का चमत्कार तो जाने कहीं छूट सा गया है ना। और पिताजी को पत्र लिखना, बहन भाई को पत्र लिखना, वो पता नहीं कहाँ ही रह गए आजकल, तो कुछ भी होता रहता है ना, तो वो ऐसा होता है ना कि जो हम पढ़ा करते थे ना अपना CBSE स्कूल में, वही सिलेबस कर दिया, जैसे हमारे पेपर आया करते तो बिल्कुल जस्ट वैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा टफ क्योंकि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आपका ईजी चलता आ रहा था जैसा चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब जैसा पहले बोर्ड्स CBSE वाले बच्चे देते थे एग्ज़ाम तो, और MP बोर्ड वाले देते थे तो उनके एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क रहता था एग्ज़ाम पैटर्न में। तो पहले क्या किया MP बोर्ड ने, सिंपल सभी बोर्ड्स ने NCERT का सिलेबस चालू किया, ठीक है, पेपर तो वही रहने दिए अपने MP बोर्ड जैसे या बाकी स्टेट बोर्ड जैसे, लेकिन अब तो पेपर भी CBSE द्वारा, मतलब जैसे CBSE वाले देते थे ना वैसे वो लोग भी देने लगे, तो अब थोड़ा टफ होगा, इसलिए ये कहो सही है
सी अभी त्रिमासिक में आप सीख गए हो कि कैसे पेपर आते हैं, वार्षिक में आपको पता चल जाएगा। एंड हम साथ हैं यार, तो टेंशन नहीं लेना है, हमें हम बता देंगे कि क्या कैसे पेपर आते हैं, बस सब्सक्राइब करे रहना। एंड बाकी सब्सक्राइब करवाओ यार, बहुत कम, मतलब 28 के करीब आ गए हैं, 28 की फैमिली बहुत बड़ी होती है। हाँ बाकियों से कम है, लेकिन ये भी बहुत हैं हमारे लिए, तो ये भी बहुत है, ठीक है। 27 के बहुत बड़ी फैमिली है यार, ठीक है। 27,000, मतलब सोचो इतने सारे बच्चे अगर सामने आ गए तो कितने ज़्यादा होंगे, ठीक है। सांद्रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के कोई दो अंतर, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे जहाँ तक, ठीक है। मुहावरे की और लुकोतियों में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे, यहाँ पर हमें चेंज करना है निर्देश अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना, मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊँगा उसमें संयुक्त कर लेना है, चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। परिवर्तन को कन्वर्ट को ही बोल देना, परिवर्तन मेरे को नहीं पता, परिवर्त कन्वर्ट तो पता है मतलब चेंज करना, एंड परिवर्तन मतलब यही होता है ना चेंज। हाँ वाक्य सट करके लिखिए, तो खरगोश को काट कर गाजर, खरगोश को काट कर ये है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, मतलब जो गाजर को काट कर नहीं नहीं हाँ मतलब गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, ये सिंपल वो होगा। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ वाक्य सट वो शुद्ध करना रहता है, तो वही है। मैं डर गया, मैंने खरगोश को काट रहे यार ये लोग हिंदी वो ऐसी बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर सिंह जी का मतलब परिचय, निम्न बिंदु में जीवन परिचय बताने, दो रचनाएं भावपक्ष एवं कलापक्ष, और महादेवी वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु, इसमें हरिवंश राय बच्चन नहीं दिए गए क्या यार, वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन वाला। उसके बाद सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है, ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद लेखन करना है, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की कोई तीन अंतर, और भारतेंदु युगीन की चार विशेषताएं लिखिए, कहानी और उपन्यास में कोई चार अंतर लिखिए, तुलसीदास और बालकृष्ण शर्मा नवीन का साहित्यिक परिचय, निम्न दो रचनाएं लिखिए। उसके बाद हमारे ये आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामनारायण उपाध्याय साहित्य का जीवन परिचय, दो रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान वही सेम। यहाँ से अपना आ जाता है लिटरेचर सेक्शन, यानी कि गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ से अपना ये कंप्लीट कर लेना है, ये देखते जाना है। फिर उसके बाद परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तार, यानी कि आप परीक्षा का पेपर का टाइम चल रहा है, लाउड स्पीकर घरों के आसपास बज रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप जिला अधिकारी को पत्र लिखोगे कि इनका शोर कम कराओ या इस टाइमिंग से बंद करा दो, जब हम पढ़ते हैं हमें डिस्टर्ब होता है, ऐसा ऐसा पत्र लिख देना, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वाला हमें करना है, अपने विद्यालय में प्राचार्य को निर्धन छात्र से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। मतलब आप जैसे पैसों का थोड़ा वो है, प्रॉब्लम है, इशू है, तो अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको अपन को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है कि सर हमारे पास ये कंडीशन, अभी हमारे पापा की कंडीशन सही नहीं है, तो हमें मतलब स्कॉलरशिप देने का, प्रोवाइड कराने का वो करे, कष्ट करे, जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों का निबंध लिखिए, तो आप लोग इसमें विज्ञान है यार, ये विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान और मानव जीवन, तो इनमें से लिख लेना। उसके बाद निम्नलिखित में से एक विषय की रूपरेखा करिए, तो कर देना कोई भी, दहेज प्रथा के ऊपर कर देना, या फिर लोकतंत्र, महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, जल ही जीवन है, सब ईजी हैं, कोई भी कर दोगे आप सभी तो, ओके। तो ये हमारी PDF कंप्लीट हो गई, इसका सॉल्यूशन आने के लिए आपको इस वीडियो पर कराने होंगे 500 लाइक्स कंप्लीट, तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना 500 लाइक्स, तो सॉल्यूशन का वीडियो तो आकर ही रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।